गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अ वेरी गुड आफ्टरनून निशु आदित्य बबले सिद्धार्थ मोहम्मद हरीश राहुल पवन राघवेंद्र दीपिका दिव्या पवन प्रीति कीर्ति आलोक श्याम गौरी सुचिता सुजाता पवन श्याम अनूप मोनिका निधि लक्ष्मी सिया विकास खुशी सचिन क्या हाल है भाई आप लोगों के बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार जानदार एकदम झगास हाँ जी तो कल फाइनली हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर रक्त संबंध खूनी रिश्ते कंप्लीट कर लिया तो फाइनली ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे नया दिन नई शुरुआत वैसे तो हालांकि आज वीकेंड है तो कल सैटरडे और संडे है दो दिन आप लोगों को मिलेंगे बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ठीक है जी हाँ तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक उसका नाम है रैंकिंग रैंकिंग समझते हो क्रम व्यवस्था देखो ये जो रैंकिंग चैप्टर है ना ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट है ये जो चैप्टर है ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट चैप्टर है और ये चैप्टर ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से भी डिफरेंट है और डायरेक्शन चैप्टर से भी डिफरेंट है ये उन सारे चैप्टर से अलग है सीटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन सबसे अलग है रैंकिंग ठीक है जी रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था परीक्षा ठीक है रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था परीक्षण हाँ हाँ हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो एग्जाम में अगर आप इंग्लिश में पूरा पेपर बना रहे हैं बट इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्रम व्यवस्था ठीक है आज हम सीखेंगे क्रम व्यवस्था तो रैंकिंग का पहले तो बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है रैंकिंग का कि एक पंक्ति है उस पंक्ति में काफी सारे लोग हैं ठीक है हाँ जी, ये पंक्ति है और हमें नहीं पता कितने लोग हैं हम बाद में इसको काउंट करेंगे है ना ये पर्सल्स है ये कौन सा है बेटा पंक्ति का ये सर पंक्ति का है लेफ्ट हैंड पंक्ति का जो भी लेफ्ट और राइट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा ये है पंक्ति का बाया छोर बाया छोर जो भी पंक्ति का लेफ्ट और राइट एंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा हमारे अकॉर्डिंग है ना और ये पंक्ति का कौन सा एंड है ये पंक्ति का है राइट एंड राइट एंड बोले तो दाया छोर ये पंक्ति का है दाया छोर ये हो गया लेफ्ट एंड और ये हो गया राइट ठीक है जी हाँ जी अब इस पंक्ति में अब इस पंक्ति में जैसे मान लो ये जो है ना ये ये इस पंक्ति में इसका नाम है कोई भी पर्टिकुलर नाम है इसका नाम है जया इसका नाम जया है ठीक है तो ये बताओ ये जो पंक्ति में जया है ये बाई ओर से कितने स्थान पर है है ना ये बताओ ये जया ओर से कितने स्थान पर है ये बताओ बेटा सीटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर अलग है वो डिफरेंट चैप्टर है वो चैप्टर अभी कहू गए और ये चैप्टर अलग है रैंकिंग चैप्टर हम्म चलिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो जया है ये बाई ओर से किस स्थान पर है ये बताओ सर एक दो तीन चार पांच सात जया से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं जया बाई ओर से सातवें स्थान पर है जया की जो रैंक दे रखी है वो लेफ्ट हैंड से दे रखी है सात अगर इसी जया को मैं दाई ओर से काउंट करता हूं तो ये दाई ओर से कितने स्थान पर है सर दाई ओर से पहली दूसरी पहली यह है दूसरी यह है तीसरी यह है चौथी यह है पांचवी यह है छठी ये है सातवीं ये है आठवीं तो ये जो जया है ये जया ओर से तो सातवीं है है ना ये जो जया है ये बाई ओर से तो सातवीं है लेकिन दाई ओर से आठवीं है यही जया बाई ओर से जो सातवीं है यही जया दाई ओर से आठवीं है तो अगर हम पूछे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने तो काउंट करना जरा कुल कितने व्यक्ति हैं चाहो तो आप लेफ्ट हैंड से काउंट कर लो चाहो तो आप राइट right हैंड से काउंट कर लो आपका आंसर सेम ही आएगा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह अगर मैं राइट हैंड से काउंट करूं तो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कुल व्यक्ति कितने हैं कुल व्यक्ति चौदह हैं हमने क्या देखा ये जो जया है ये जया ये जया बाई ओर से कितने स्थान पर हमें दिखाई दे रही है सातवें स्थान पर और यही जया ओर से बेटा कितने स्थान पर दिखाई दे रही है यही जया ओर से कितने स्थान पर दिखाई दे रही है आठवें स्थान पर लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या बेटा सात और आठ पंद्रह निकल के नहीं आ रही कुल व्यक्तियों की संख्या पंद्रह निकल के नहीं आ रही कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ रही है चौदह निकल के आ रही है कुल व्यक्तियों की संख्या चौदह निकल के आ रही है इसका मतलब क्या है यहां से क्या फॉर्मूला बनता है यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि लेफ्ट एंड से रैंक निकालो आप प्लस राइट एंड से रैंक निकालो लेकिन जब आप लेफ्ट प्लस राइट करोगे तब आपको एक घटाना पड़ेगा तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक होती है क्यों एक होती है क्यों एक होती है क्योंकि ये पर्सन बेटा दो तरफ से काउंट हो गया ये पर्सन दो बार काउंट हो गया समझ रहे हो दो बार काउंट हो गया इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन यही इस इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं अगर मैं रैंकिंग की बात करू तो बेटा रैंकिंग हमारी दो टाइप की बनेगी एक तो रैंकिंग बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल एक रैंकिंग बनेगी हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब क्या होगा हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब होगा जब को हम बैठाएंगे पंक्ति में जब पर्सनस को हम बैठाएंगे पंक्ति यानी कि रो में है ना और वर्टिकल रैंकिंग का मतलब क्या होगा वर्टिकल रैंकिंग का मतलब है जब पर्सनस को हम बैठाएंगे कॉलम में कॉलम या फिर पर्सनस को हम बैठाएंगे किसी क्लास में ठीक है तो वो वर्टिकल रैंकिंग होती है जब हम पर्सन को एक कतार में खड़ा कर देते हैं एक कतार में खड़ा कर देते हैं अच्छा हॉरिजॉन्टल में जो टर्म्स यूज यूज होते है, वो यूज़ होते हैं हैं वो लेफ्ट और राइट right, बाया और दाया लेफ्ट और राइट लेकिन वर्टिकल रैंकिंग में लेफ्ट राइट right की जगह यूज होता है टॉप और बॉटम लेकिन दोनों का मीनिंग एक है आप लेफ्ट राइट यूज करो बाया दाया यूज करो आप बेटा बाया और दाया वर्ड यूज करो या फिर आप वर्ड यूज करो ऊपर और नीचे बात एक ही है दोनों का मीनिंग एक ही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारे एक बेसिक सा फॉर्मूला बना बेटा इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला बना कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है दोनों तरफ से रैंक पता कर लो उसके बाद एक घटा दो है ना दोनों तरफ से रैंक पता कर लो उसके बाद एक घटा दो अच्छा अगर मैं मान लो किसी व्यक्ति की रैंक लेफ्ट हैंड से पूछूं और मुझे राइट एंड रैंक पहले से पता है तो लेफ्ट से रैंक क्या निकलेगी टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये है माइनस वन जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस वन हो जाएगा और जब राइट इधर जाएगा तो माइनस राइट हो जाएगा अब आप लोगों को याद आया होगा चैप्टर एल्फाबेटिकल सीरीज एल्फाबेट्रिकल सीरीज चैप्टर आपको याद गया होगा एल्फाबेट्रिकल सीरीज चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई अक्षर है जो कि राइट हैंड से दसवें स्थान पर है इसी अक्षर की पोजीशन जब मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी होती थी तो मैं कितने में से घटाता था कभी भी छब्बीस में से नहीं घटाता था हमेशा सत्ताइस में से घटाता था अब आप समझ गए सत्ताईस में से क्यों घटा रहे क्योंकि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी टोटल में से नहीं घटाते हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं टोटल प्लस वन में से ऐसे ही अगर मुझे राइट हैंड से पोजीशन पता करनी है तो कैसे पता करूंगा टोटल तो ये है माइनस वन जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस वन हो जाएगा और लेफ्ट वाली पोजीशन को घटा दो टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट है ना हाँ जी तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होती है बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इस चीज को मैंने इस फिगर से प्रूफ कर दिया इस फिगर से मैंने प्रूफ किया मैंने लोगों को बैठा के दिखाया प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको इस क्वेश्चन का तब हमने ये फॉर्मूला निकाला जब हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल किया बाकायदा हमने इसको प्रूफ किया ठीक है चलिए साहब अच्छा अगर मान लो वर्टिकल रैंकिंग में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी सर सेम फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे बस यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह क्या वर्ड यूज होंगे टॉप और बॉटम किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से पता है, और नीचे से पता दोनों को जोड़ दो और उसके बाद एक घटा दो है ना और अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो वही कंसेप्ट है कि टोटल प्लस वन में से बॉटम को घटा दो बॉटम वाली पोजीशन को और अगर बॉटम से स्थान निकालना है तो क्या करो वही सेम कंसेप्ट टोटल प्लस वन में से टॉप को घटा दो तो ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है लेकिन दिक्कत की बात यह है ये पूरा चैप्टर इस बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना हमें क्योंकि हम ये डायरेक्ट फार्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते इसीलिए ये बेसिक फार्मूला देखो समझना जरूरी है कि ये बना कैसे वो तो बहुत जरूरी है लेकिन इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर वो इन डायरेक्ट फार्मुल से सॉल्व नहीं होते तो मैं आपको इस चैप्टर में बस एक ट्रिक सिखाऊंगा बस एक सिंगल ट्रिक और उसी ट्रिक से ये पूरा चैप्टर उड़ा दोगे पूरा का पूरा चैप्टर इस पूरे चैप्टर में पूछे गए हर क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते उड़ा दोगे वो भी पहले तो थोड़ा बहुत पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी बाद में नहीं पड़ेगी लेकिन स्टार्टिंग में पड़ेगी थोड़ी बहुत जरूरत ठीक है है ना हा जी टोटल नंबर के लिए काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर के लिए काउंट थोड़ी करना है अगर आपको किसी पंक्ति में रैंक लेफ्ट और राइट हैंड दोनों तरफ से पता है तो टोटल क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन यही तो टोटल होगा सिंपल टोटल क्या है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल क्या टॉप प्लस बॉटम माइनस वन है ना देखो पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायरेक्टली इन फॉर्मुल से रिलेटेड है जो कि हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं है yeah, ना no? हालांकि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल है मेंस के लिए बैच बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं है ना yeah, no? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इन से ही रिलेटेड है डायरेक्टली इन फॉर्मुल से रिलेटेड और वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार पूछे गए एक नहीं कई बार पूछे गए हैं तो पहले तो उन बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं है ना फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उन बेसिक क्वेश्चन के बाद पहले बेसिक क्वेश्चन को देख लो कि वो बेसिक क्वेश्चन क्या है जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पे पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको ठीक है जी ब्लड रिलेशन के मीन्स के क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूं और सारे वही क्वेश्चन है एक जैसे सारे एक जैसे क्वेश्चन है अगर आप एक क्वेश्चन को बना लोगे तो सबको बना लोगे ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है ए इज ब्रदर ऑफ बी ये सीजीएल मीन का क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे सेट में ए बी की A, B की पुत्री है एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है अगर आप ए की क्वेश्चन को बना लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है ए बी की यह सी जी एल मीन्स दो हजार बाईस ठीक है CGL, 2020, W परसेंटेज डी है रेट B एंड M एट द रेट आई हमसे पूछा है D M से किस प्रकार संबंधित है डीएम से डीएम से किस प्रकार संबंधित है चलो कर लो मेंस का क्वेश्चन नहीं कराया था तो रैंकिंग के तो दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बना दोगे तो जो स्पेस बचेगा वो ये मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लो बनाओ अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करके इसको साइड में हटाते हैं पहले तो देखो डी का एम से संबंध पूछा है डी का एम से संबंध तो आप लोगों को ना पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोग सिर्फ इतनी इक्वेशन सॉल्व करो सिर्फ इतनी इक्वेशन डी जी हैज का मतलब भाई ए बी का भाई है तो डी किसका भाई है जी का डी किसके भाई साहब है डी भाई साहब है जी के तो डी को जी के साथ बना दो जी एट द रेट बी एट द रेट का मतलब ए बी की पुत्री है तो जी किसकी पुत्री है बी की जी पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है ये ये किसकी पुत्री है जी किसकी पुत्री है जी पुत्री है बी की जैसे ए पुत्री है बी की वैसे जी पुत्री है बी की अच्छा बी एंड एम एंड का मतलब पति ए बी का पति है तो बी किसके पतिदेव है बी की शादी बेटा एम से करा दो बी एम के पतिदेव है तो जो डी है वो एम से किस प्रकार संबंधित है डी एम से किस प्रकार संबंधित है डी कौन है एम का इसका बेटा हो गया ना एम से किस प्रकार संबंधित है पुत्र एम से किस प्रकार संबंधित है पुत्र डी कौन है एम का पुत्र बस यही है सीजीएल मीन्स यही क्वेश्चन थे ठीक है हाउ इज डी रिलेटेड टू एम हाउ इज डी रिलेटेड टू एम सन हु इज डी डी के बारे में बताना आपको हु इज डी चलो ये तो मीन्स का क्वेश्चन है एक सेकेंड इसको यही रहने दो इधर आ जाओ एक पंक्ति में मोहन बाई छोर से अठारहवें स्थान पर है और यही मोहन दाई छोर से सत्रहवें स्थान पर है तो बेटा मोहन की रैंक हमें लेफ्ट और राइट दोनों एंड से पता है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है मैंने आपसे क्या बोला लेफ्ट प्लस राइट कर दो, तो बेटा एक, एक तो अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कुल व्यक्तियों में से घटा देते हैं कुल व्यक्ति कितने हैं कुल व्यक्ति है पचास लेकिन बेटा कुल व्यक्ति से नहीं एक ज्यादा में से घटाते हैं इक्यावन में से बीस को घटा देंगे इक्यावन माइनस का बीस कितना आ जाएगा इकतीस इक्यावन माइनस का बीस कितना आ जाएगा इकतीस आ जाएगा है ना इक्यावन तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन अच्छा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करना है टोटल प्लस वन में से घटा दो टोटल प्लस वन में से घटा दो है ना हाँ जी तो ये बहुत ही बेसिक एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है जो रैंकिंग है एकदम बेसिक क्योंकि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दी है है ना जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है उसी से कर दिया चलिए साहब क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बेटा बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा तीसरा भी बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा हम फंसेंगे चौथे क्वेश्चन से तो जो ट्रिक है ना वो हम चौथे क्वेश्चन में सीखेंगे और देखेंगे फिर उस ट्रिक के जरिए हम इस पूरे चैप्टर को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा बेटा कुल व्यक्ति 40 है पोजीशन दे रखी है दाएं छोर से 18वीं बाएं छोर से किस स्थान पर होगा तो बेटा 40 में से नहीं घटाना है 41 में से घटाना है हमेशा एक ज्यादा में से हमेशा एक हमेशा एक ज्यादा में से घटाना है 41 में से घटाना 41 18 13 पॉइंटिंग फॉर्म को ना आप अपने घर में अप्लाई करो उन क्वेश्चंस को अपनी फैमिली पे अपने परिवार पे तब जाके आपको वो बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा पॉइंटिंग वालों का चलिए अब हम सीखेंगे बेटा इस चैप्टर में ट्रिक क्वेश्चन नंबर फोर से क्वेश्चन नंबर फोर से हम ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक एक्जेक्टली क्या है बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर बनेगा कैसे क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में पहले जो तीन क्वेश्चन है हमेशा ऐसी क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है पहले जो तीन क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है हालांकि अगर मैं बात करूं सीजीएल की तो मेरे ख्याल से सीजीएल में जो रैंकिंग का क्वेश्चन आया था वो कराऊं मैं आपको आप कहोगे सर रैंकिंग चैप्टर खत्म थोड़ा सर अब कुछ नहीं पढ़ रहा है रैंकिंग में हमने रैंकिंग को खत्म कर दिया सर सीजीएल मेंस के हिसाब से है ना एक सेकेंड हाँ सीजीएल मेंस में रैंकिंग के एक क्वेश्चन आया था बाबू चारों क्वेश्चन कराऊंगा इसके तो मैं चार क्वेश्चन थे रैंकिंग के मेंस में चारों क्वेश्चन हम करेंगे चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लो तब पढ़ेंगे हाँ जी तो मेरे भाई मेरे दोस्त चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए ना हमें एक बेसिक फिगर बनाना पड़ेगा बेसिक सा फिगर बेसिक फिगर और वो फिगर बनाने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से अच्छा बेसिक फिगर में क्या करना है कि जो हमें फिगर बनाना है डिस्टेंस दूरी हमें फिगर बनाना है किससे दूरी और जो भी रैंक दे रखी है बेटा जो भी रैंक दे रखी है उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे जो भी रैंक दे रखी है उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे दूरी में जैसे एक पंक्ति में रवि बाई ओर से पंद्रहवा है बेटा बाई ओर बेटा ये साइड है दाई ओर ये साइड है तो जो रवि है वो बाई ओर ये लेफ्ट एंड है है ना ये बाया छोर है पंक्ति का ये है बाया छोर तो बाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा है पंद्रहवें स्थान पर बैठा है तो बेटा पंद्रह की दूरी बना दी मैंने दूरी जितनी रैंक दे रखी है उसकी दूरी बना दी और ये कौन है रवी। ये रवि है रवि ये रवि है अमित दाएं छोर से सोलवे स्थान पर है बाबू अमित को दाएं छोर से बैठा दो सोलवें स्थान पर ये अमित है जो कि दाएं छोर से बैठा है राइट एंड से बैठा है दाएं छोर से कितने स्थान पर सोलवें स्थान पर बट देर आर टू पॉसिबिलिटीज यहां पे दो संभावनाएं हो सकती हैं जब रवि ओर से पंद्रहवा है तो जो अमित है वो रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है और अमित जो है वो दाई से कितना है अमित दाई से सोलवे स्थान पर है अमित दाई से सोलवे स्थान पर है दोनों संभावनाओं को हमने बना लिया दोनों संभावनाओं को हमने बना लिया बना लिया ठीक है अबे तुम घोचू हो क्या बिल्कुल मेंस क्वेश्चन नहीं करवाया ब्लड रिलेशन के अभी ये क्या कर रहा है तुम ये मेंस का नहीं है सीजीएल 2022 सी जी एल का क्वेश्चन नहीं है ये ब्लड रिलेशन नहीं है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है चार सेम क्वेश्चन रिपीट है हर में। हर सेट सेट में में बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार हाँ जी तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप जरा ध्यान तो सुनना एक पंक्ति मेरा भी बाई ओर से पंद्रहवें स्थान पर है अमित दाई ओर से सोलहवें स्थान पर है तो दोनों संभावनाएं मैंने बना ली अगला पॉइंट दीपक दीपक रवि के दाएं से चौथा है दीपक रवि के दाएं से चौथा है रवि का दाया इधर है रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन है दीपक है ना दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन है दीपक दीपक रवि के दाएं चौथा है यदि यही दीपक अमित के बाएं पांचवा हो यही जो दीपक है अमित के बाएं पांचवा हो अमित के बाएं पांचवा है दीपक अब यही जो दीपक है वो अमित के बाएं पांचवा हो क्या ये दीपक अमित के बायोर है सर ये जो दीपक है ना अमित के ओर है इसीलिए ये वाली संभावना ही गलत है ये वाली जो संभावना है ये गलत है ये वाली संभावना ही गलत है तो ये जो बेसिक सा फिगर बना है इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ठीक है अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो बेसिक फिगर बना है इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं क्या करें सर हर क्वेश्चन का आंसर दे. देखो आपसे अगर पर्सन की रैंक पूछी जाए रैंक तो आपको कुछ नहीं करना सिंपल डिस्टेंस काउंट करनी है वही उसकी रैंक है वही उसकी रैंक है जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है रवि की ओर से रैंक क्या है वट इज द पोजिशन ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड रवि दाई ओर से कितना दूर है बेटा दाई ओर से दूरी पूछी है रवि की वट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड तो ये जो रवि है वो दाई ओर से कितना दूर है ये पता लगा लो क्योंकि जितना दूर है वही उसकी रैंक है तो बाबू 16 और 5 21 और 4 25 रवि दाई ओर से कितना दूर है 16 और 5 21 और 4 25 जितना दूर है वही उसकी रैंक है कुछ नहीं करना बेटा ना एक कम ना एक ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस ही हमने रैंक में कन्वर्ट करी है डिस्टेंस ही हमने रैंक में कन्वर्ट करी है है ना दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित दीपक रवि के तो दाई और चौथा है बट अमित के बाई और पांचवा था दीपक रवि के दाएं से चौथा है यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो तब रवि का दाई और से स्थान क्या होगा है ना दीपक बेटा दाएं से चौथा नहीं है दीपक रवि के दाएं चौथा है दीपक रवि के दाएं चौथा है जहां रवि बैठा है ना उसके फोर्थ राइट में है दीपक तो जब ये फिगर बनाओगे ना बेटा इस फिगर को बनाने के बाद ना इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ दो क्वेश्चन या तो आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी या टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाएंगे अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाती है तो सिंपल आप डिस्टेंस काउंट कर लो इसके अलावा आपको कुछ काउंट नहीं करना जैसे कि मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को है ना दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं सबसे पहले हमने बेटा रवि को बैठाया ओर से रवि को बैठाया ओर से रवि को बैठाया बाई ओर से पंद्रह स्थान पर ठीक है जी ये रवि है जो कि की ओर से पंद्रहवें स्थान पर बैठा है फिर मैंने अमित को बैठाया बाबू दाई ओर से अमित को बैठाया दाई ओर से सोलवे स्थान पर जो अमित है वो दाई ओर से सोलवे स्थान पर है ये अमित है जो कि राइट हैंड से सिक्सटीन प्लेस पर है फिर मैंने दीपक को बैठाया जो कि रवि के फोर्थ राइट हैंड पे था और यही दीपक अमित के फिफ्थ लेफ्ट हैंड पर है सही है ना चार पांच बिल्कुल सही है अब इसी से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बाबू अमित जो है वो बाई ओर से कितना दूर है ये बताओ उसके अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड दीपक ओर से कितना दूर है ये बताओ बेटा उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दीपक बाई छोर से कितना दूर है ये बताओ जल्दी से बताओ है ना सेम वही है बेटा सेम वही है कंसेप्ट कि अगर रैंक पूछी है तो हमें क्या करना है सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है सिंपल डिस्टेंस करो सिंपल दूरी निकालनी और कुछ नहीं करना ये बताओ अमित लेफ्ट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है ये जो अमित है ये लेफ्ट हैंड से आपको कितना दूर दिखाई दे रहा है सर पंद्रह पंद्रह और चार उन्नीस और पांच चौबीस पंद्रह और पांच बीस और चार चौबीस दिखाई दे रहा है ठीक है अच्छा दीपक जो है वो राइट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है राइट हैंड से कितना दूर दिखाई दे दिखा रहा है सोलह और पांच इक्कीस सोलह और पांच इक्कीस दिखाई दे रहा है अच्छा ये बता दीपक लेफ्ट हैंड से ये जो दीपक है ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है दीपक सर पंद्रह और चार उन्नीस कितना दिखाई दे रहा है पंद्रह और चार उन्नीस जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है सर अमित रवि के लेफ्ट में हो सकता है अरे यार तुम बिल्कुल वो ही हो गया घोचू अमित रवि के लेफ्ट में बनाया था हमने लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही दीपक को रवि के राइट में बैठाया तो दीपक भी अमित के राइट में आ गया जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट साइड है ना कि राइट ना कि राइट साइड इस वाले सिचुएशन में दीपक अमित के राइट हैंड पे जा रहा है जबकि दीपक को दीपक को अमित के लेफ्ट हैंड पे बैठना है इसीलिए हमने अमित को रवि के लेफ्ट में नहीं बैठाया ठीक है हाँ जी चलिए साहब तो जब भी पर्सन की रैंक पूछी जाए रैंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना सिंपल डिस्टेंस काउंट करनी है दूरी जो दूरी है वही पर्सन की रैंक है अब हम चलते हैं इस चैप्टर में दूसरे कंसेप्ट पे जब हमसे पर्सन के बारे में पूछा जाता है जैसे हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ बाबू इस फिगर में हम व्यक्ति नहीं बता सकते ये फिगर दूरी को ही रिप्रेजेंट कर सकता है तो हम अमित और रवि के बीच में दूरी बता सकते हैं कितनी दूरी है तो अमित और रवि के बीच की दूरी बताओ कितनी है चार और पांच नौ अमित और रवि के बीच की दूरी नौ है और एक चीज याद रखना पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी हमेशा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये एक पंक्ति है है ना ए टू जेड की एक पंक्ति है ठीक है इसमें जो लेटर पी है वो ओर से कितना दूर है सर लेटर पी ओर से सोलहवें स्थान पर है और यही लेटर पी बेटा ओर से कितना दूर है सर ये दाई से ग्यारहवें स्थान पर है ये दाई ओर से ग्यारहवें स्थान पर है तो बाबू ये बताओ यहां से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है सोलह और ग्यारह सत्ताईस की दूरी है कुल दूरी कितनी है दूरी है सत्ताईस की तो पर्सन कितने हैं यहाँ पे छब्बीस दूरी कितनी है सत्ताईस तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी हमेशा जैसे यहाँ पर देखो बेटा इस पंक्ति की दूरी कितनी है चौदह व्यक्ति हैं इस पंक्ति में लेकिन दूरी कितनी है पंद्रह कैसे देखो यहां से लेकर यहाँ तक सात दूरी है और यहां से लेकर यहां तक आठ की दूरी है तो सात और आठ टोटल दूरी कितनी हो गई पंद्रह टोटल कितनी दूरी हो गई पंद्रह लेकिन पर्सन कितने है? हैं कितने है? हैं पर्सन कितने हैं पर्सन ही है बात समझ रहे हो मेरी तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम ही होगी पर्सन की वैल्यू दूरी से एक कम ही होगी जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू दूरी से कमी होगी ठीक है यहां देखो पर्सन की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करके ये जो लेफ्ट प्लस राइट है यही तो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है यही तो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है दूरी को तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा इस चैप्टर में फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है तो आप सिंपल जो दूरी दिखाई दे रही है उतना ही आंसर दे दो लेकिन गलती से अगर आपसे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो बेटा जितनी दूरी दिखाई दे रही है आंसर उतना नहीं देना देना उससे कम कर देना है। बस यही इस पूरे चैप्टर की ट्रिक है इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना आपको इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट को रैंकिंग नहीं कहते सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है वो डिफरेंट चैप्टर है इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना बस ये करना ये है। और इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा आपका सिर्फ इसी कंसेप्ट से चलो बाकी के जो तीन क्वेश्चन है मैं एक काम करता हूँ फिगर को दोबारा से यहाँ बना देता हूँ अमित जो है बाई ओर से पंद्रहवें स्थान पर है सॉरी रवि रवि और जो अमित है वो दाई ओर से सोलहवें स्थान पर है जो दीपक है वो रवि के फोर्थ राइट हैंड पर है और यही दीपक अमित के फिफ्थ लेफ्ट हैंड पे था बनाओ छठा क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये बताओ वट इज दाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है पांच क्योंकि फिगर बेटा दूरी से बना है तो हर आंसर दूरी में ही आएगा लेकिन जब हमसे पर्सन की वैल्यू पूछी जाएगी तो जो भी दूरी है आंसर हमेशा उससे एक कम होगा जो भी दूरी है आंसर हमेशा उससे एक कम होगा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी बाबू हमेशा ऑलवेज चाहो तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे बेटा एक एक करके लोगों को बैठा कर मैं प्रूफ भी कर दूंगा चिंता मत करो पर्सन बिटवीन एक एक करके सारे लोगों को बैठा कर मैं प्रूफ करूंगा इस क्वेश्चन को पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक ये बता रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है सर रवि और दीपक के बीच की दूरी है चार तो पर्सन कितने होंगे पर्सन कितने होंगे दूरी चार है लेकिन पर्सन कितने होंगे पर्सन होंगे दूरी से एक कम यानि पर्सन होंगे दूरी से कम यानी कि तीन और आखिरी क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर देर इन द रो बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है तो कुल दूरी बताना कितनी है कुल दूरी सर यहाँ से यहाँ तक की पंद्रह दूरी है उसके बाद चार की दूरी और है फिर पांच की दूरी और है फिर सोलह की दूरी तो ये मेरी कुल दूरी निकल कर आ गई तो कुल व्यक्तियों के लिए कुल दूरी निकाल लो लेकिन दूरी से आंसर हमेशा एक कम होगा आंसर एक ही कम होगा समझ रहे हो तो पंद्रह और चार उन्नीस और पांच चौबीस और सोलह चालीस चालीस माइनस एक उन्तालीस तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी कुल व्यक्तियों की संख्या होगी उनतालीस तो इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी एक तो पूछा जाएगा कि रैंक बता दो दूसरा पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या तो व्यक्तियों की संख्या जितनी दूरी निकल कर आ रही है आंसर उसमें एक कम कर देना और अगर रैंक पूछा है तो रैंक तो जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है आपको उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है अब इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करता हूँ बेटा ठीक है इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूँ एक एक करके लोगों को बैठा क्या वाकई में आपने सही पढ़ा है सर पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति पांचवा व्यक्ति छठा व्यक्ति सातवां आठवां नवा दसवां ग्यारहवां बारहवा तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा यह है अमित जो कि पंद्रहवा व्यक्ति है बाई ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा दसवां ग्यारहवाँ बारहवां तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा इसके दाई और चौथा दीपक है पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति चौथा यह है दीपक इसके दाई और चौथा दीपक था अमित के दाई और चौथा दीपक था अच्छा दीपक जो है वो रवि के ये सॉरी ये अमित नहीं ये रवि है रवि ये रवि है रवि हाँ दीपक जो है वो रवि के दाई और चौथा है और यही दीपक अमित के बाई और पांचवा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यही दीपक अमित के बाई और पांचवा है देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और अमित दाई और से सोलहवा है सोलहवा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले बड़े बड़े कर दो काउंट करना बेटा अमित दाई ओर से सोलह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो जो डेटा हमें दिया गया है उस डेटा के हिसाब से ये फिगर मैंने बना दिया उस डेटा के हिसाब से बना दिया फिगर अच्छा लेकिन हमने डिस्टेंस के हिसाब से फिगर कैसे बनाया था कि रवि बाई ओर से पंद्रहवा था जो अमित है वो दाई ओर से सोलहवा है जो दीपक है वो रवि के फोर्थ राइट में है और अमित के और पांचवा है तो ये तो बना बेटा हमारी ट्रिक से मतलब डिस्टेंस से ये बना है पर्सन को बैठाकर प्रैक्टिकल करके लेकिन ये प्रैक्टिकल हम एग्जाम में नहीं कर सकते ये प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं कर सकते ये हम एग्जाम में कर सकते हैं अब हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं जो हमने आंसर दिए वो ऊपर से प्रूफ कर लेते हैं पहला हमने आंसर दिया व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड बेटा रवि दाई ओर से कितना दूर है तो रवि मैंने कहा दूरी निकालो 16 और 5 21 और 4 25 है ना 16 और 5 21 और 4 25 तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड अकॉर्डिंग टू तो अवर फिगर आंसर इज 25 अब जरा ऊपर चेक करो क्या वाकई में रवि दाई ओर से 25 है जरा चेक करना सर सोलह तो ये आ गया सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस यस बिल्कुल पच्चीस बहुत बढ़िया दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित बाई ओर से कितना दूर है अमित जो है वो बाई ओर से कितना दूर है पंद्रह और चार उन्नीस और पांच चौबीस पंद्रह और चार उन्नीस और पांच चौबीस अब जरा ऊपर चेक करना फिगर में क्या वाकई में अमित बाईर से पांचवा है भाई सब ये पंद्रह हो गया सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस बिल्कुल जी हाँ चौबीस तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो दीपक जो है लेफ्ट हैंड से कितना है पंद्रह और चार उन्नीस हमारे फिगर के हिसाब से उन्नीस है क्या वाकई में ऊपर भी उन्नीस है सर पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस जी हाँ उन्नीस अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड तो दीपक दाइ ओर से कितना है सोलह और पांच इक्कीस हमारी ट्रिक से तो इक्कीस क्या ऊपर भी इक्कीस है सर सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस जी हाँ इक्कीस तो ये चारों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए कि पर्सन की जो रैंक है वही डिस्टेंस है पर्सन की जो रैंक है वही डिस्टेंस है ठीक है जी हाँ जी अब हम अगले चार क्वेश्चन प्रूव करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहला क्वेश्चन था कि पर्सन बिटवीन पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि तो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है चार और पांच नौ तो मैंने बोला दूरी से एक कम पर्सन होंगे आठ अब जरा ऊपर चेक करो क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में आठ पर्सन है क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में आठ पर्सन है या मैंने गलत पढ़ा दिया सर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक तो भाई साहब हमारे फिगर के हिसाब से अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है पांच तो जितनी दूरी है आंसर उससे कम होगा चार अब जरा चेक करके देखो क्या वाकई में अमित तो और दीपक के बीच में चार है क्या वाकई में अमित तो और दीपक के बीच में चार है सर एक दो तीन चार चार ही बैठे हैं सर अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक तो हमारे फिगर के हिसाब से रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है चार तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी पर्सन की वैल्यू तीन होगी अब जरा चेक करना क्या वाकई में रवि और दीपक के बीच में तीन व्यक्ति हैं क्या रवि और दीपक के बीच में तीन व्यक्ति हैं सर एक दो तीन तीन ही व्यक्ति हैं और सबसे मजेदार आखिरी क्वेश्चन कि टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने कि यहाँ पे कुल दूरी निकाल ली मैंने कुल दूरी कितनी है पंद्रह और चार उन्नीस और पांच चौबीस और सोलह चालीस चालीस की दूरी में एक घटा दिया उनतालीस अब जरा इसको चेक करो क्या वाकई में कुल व्यक्ति उनतालीस है जरा काउंट करना ऊपर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रवि तो पंद्रह था सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस प्रूफ हैंस प्रूव्ड अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए 0.1% भी तो इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें पूछी जाती हैं या तो आपसे पूछेगा पर्सन की रैंक तो रैंक पूछेगा तो जो फिगर बनाया हुआ है जो जो दूरी दिखाई दे रही है वही दूरी बता दो या फिर पूछेगा पर्सन के बारे में तो जो दूरी दिखाई दे रही है आंसर उसमें एक कम कर दो आंसर उसमें एक कम कर दो सीधी सी बात अच्छा जो हम फिगर बनाते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से ही फिगर बनाते हैं कभी नंबर ऑफ पर्सन से फिगर नहीं बनाएंगे हम कभी भी अपने फिगर में हम कभी भी अपने फिगर में नंबर ऑफ का जिक्र नहीं करेंगे ये याद रखना हमेशा फिगर हमारा डिस्टेंस से ही बनेगा अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन दे भी रखे जैसे हमें बोला जाए कि अमित तो और दीपक के बीच में चार व्यक्ति है तो बीच में चार व्यक्ति हैं या इनके बीच की दूरी पांच है दोनों का मीनिंग एक ही है तो अगर हमें बोला जाए ना कि अमित तो और दीपक के बीच में चार व्यक्ति है तो हम उनके बीच की दूरी पांच बना देंगे क्योंकि हमें अपना फिगर ना दूरी से बनाना है ऐसा नहीं कि हम चार व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे ना हम क्या करेंगे चार व्यक्ति की जगह उनके बीच में पांच की दूरी बना देंगे जैसे अगर हमें बोला जाता कि रवि और दीपक के बीच में तीन व्यक्ति हैं तो हम तीन व्यक्ति की जगह क्या करते हैं चार की दूरी बना देते हैं लाइक दिस अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन जिक्र है तो हम उसको दूरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक ज्यादा सीधी सी बात है पर्सन से एक ज्यादा दूरी है दूरी से एक कम पर्सन है ठीक है चलिए और इस तरह से इस पूरा का पूरा चैप्टर आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से डील करोगे है ना हर क्वेश्चन अब जैसे क्वेश्चन नंबर पांच और आपके सामने है जरा क्वेश्चन नंबर पांच और छह को बनाओ सेम इसी मेथड से जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ और जैसी फिगर बनके कंप्लीट होगा क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो चुका होगा इतनी देर में इतनी देर में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा हाँ जी बनाओ भाई फटाफट से बनाओ जल्दी से एक पंक्ति में कमल ओर से अठारवा है तो बाबू कमल को ओर से अठारवें स्थान पर बैठा दो बाई ओर यह है बेटा स्थान का मतलब दूरी और यहाँ पे कौन बैठे हैं कमल बाबू स्थान का मतलब दूरी ओर से अठारहवें स्थान पर है हमने बैठा दी अठारवें स्थान पर है यदि रोहन ओर से सातवा हो रोहन बाई बाया, बाया और यही है यहां से रोहन सातवां है यानी कि इससे पहले है दिस इज रोहन यदि रोहन बाई और से सातवां हो तब इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं तो ये बताओ बाबू इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे अठारह माइनस का सात ग्यारह इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे अठारह माइनस का सात ग्यारह आ गई अब अगर इनके बीच की दूरी ग्यारह है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे अगर इनके बीच की दूरी ग्यारह है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे दूरी से एक कम ये तो सिखाया मैंने दूरी से एक कम पर्सन होंगे भाई बीच की दूरी ग्यारह है फिगर बेटा हमेशा दूरी ही बताएगा फिगर पर्सन नहीं बता सकता पर्सन के लिए हमें दूरी से कम करना पड़ेगा तो हमने कर दिया ग्यारह महीने एक दस एक पंक्ति में मोहित बायोर से बारहवा है तो बाबू मोहित को बैठा दो बाई ओर से बारहवा दिस इज मोहित जो कि बाई ओर से बारहवा है सुमित दाई ओर से पंद्रहवा है यदि सुमित मोहित के दाई ओर हो देखो क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि जो सुमित है ना वो मोहित के दाई तरफ बैठा है सुमित मोहित के दाई तरफ बैठा है तो सुमित को मैं यहां बैठाऊंगा यहां नहीं बैठा सकता और सुमित दाई ओर से कितना दूर है सुमित दाई ओर से पंद्रहवा दूर है अब देखो इस क्वेश्चन में शानदार ट्रिक वही है यदि इनके बीच में छ व्यक्ति हो अब अगर इनके बीच में छ व्यक्ति हैं तो बाबू मैं व्यक्ति ऐसे नहीं बैठाऊंगा क्योंकि मैंने मना किया है ना हम व्यक्तियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी बना देंगे अब ये बताओ इनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि छह व्यक्ति बैठ जाए सर इनके बीच में ना सात की दूरी होगी क्योंकि सात की दूरी में ही छह व्यक्ति बैठ सकते हैं क्योंकि हमें अपने फिगर में नंबर ऑफ पर्सन को कभी भी शो नहीं करना बस इतना याद रखना हम हमेशा फिगर डिस्टेंस से बनाएंगे तो अगर इनके बीच में छे की छह पर्सन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी सात तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बाबू बारह और सात उन्नीस और पंद्रह उन्नीस और पंद्रह चौंतीस की दूरी आ गई कुल तो अगर चौंतीस की दूरी आ गई तो चौंतीस की दूरी में पर्सन कितने होंगे चौतीस की दूरी में पर्सन कितने होंगे पर्सन तो बेटा हमेशा दूरी से एक कम होंगे परसन तो हमेशा दूरी से एक कम होंगे पर्सन तो हमेशा दूरी से एक कम होंगे समझ रहे हो पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होंगे चौतीस माइनस एक तेतीस पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होंगे अच्छा ये और बच गया दोबारा से फिगर बना लेते हैं मोहित बाई ओर से बारहवा है और इसके दाई तरफ बैठा है सुमित जो कि दाई ओर से कितना है जो कि दाई ओर से पंद्रहवा है इनके बीच में छह पर्सन है छह पर्सन हम नहीं दिखा सकते इनके बीच की दूरी बनाएंगे कितनी सात तो क्वेश्चन क्या पूछा है दाई छोर से मोहित का कौन सा स्थान है दाई छोर से मोहित का कौन सा स्थान है वट इज द पोजिशन ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड तो बेटा रैंक पूछिए रैंक का मतलब सीधा दूरी पंद्रह और सात है ना रैंक का मतलब क्या है रैंक का मतलब सीधा दूरी है रैंक का मतलब सीधा दूरी है पंद्रह और सात बाईस सुमित जो है वो मोहित के दाई तरफ बैठा है सुमित मोहित के दाई तरफ बैठा है ठीक है एक पंक्ति में अनुपम बाई ओर से ग्यारवा है तो बाबू अनुपम को बाई ओर से ग्यारवा बैठा दो अनुपम को बाई ओर से ग्यारवा बैठा दो दिस इज अनुपम <coughs> <coughs> दीपक दाएं ओर से तेरवा है लेकिन जो दीपक है ना वो अनुपम के बाई तरफ है क्वेश्चन में दिया हुआ है दीपक ना अनुपम के बाई तरफ है दीपक अनुपम के बाई तरफ है दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम इस बार दीपक अनुपम के लेफ्ट में बैठा है बेटा उनके बीच में छ व्यक्ति हैं तो हम बीच में छह व्यक्तियों को नहीं बैठाएंगे ना हम बीच में दूरी बनाएंगे मैंने क्या बोला कि हमारा फिगर दूरी से बनेगा व्यक्तियों से नहीं बनेगा भूल गए तुम बेसिक कंसेप्ट कि अगर इनके बीच में चार व्यक्ति हैं अगर इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं एक दो तीन तो हम इनके बीच में चार की दूरी बना रहे हैं अगर इनके बीच में चार व्यक्ति हैं तो हम पांच की दूरी बना रहे हैं तो हम बेटा अपने फिगर में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और दीपक जो है वो दाई से कितना है दीपक ओर से तेरव स्थान पर है अब बताओ यदि इनके बीच में पांच यदि इनके बीच में चार व्यक्ति हो अब बाबू इनके बीच में चार व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करेंगे हम दूरी क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन को नहीं बैठाना है तो चार व्यक्तियों के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी दूरी होगी पांच की भाई पांच की दूरी में तो चार व्यक्ति बैठेंगे बस खत्म हो गया क्वेश्चन अब हमें चाहिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो कुल व्यक्तियों के लिए हमें क्या निकालनी है कुल दूरी निकालनी है कुल व्यक्तियों के लिए हमें कुल दूरी निकालनी है कुल दूरी कैसे निकालोगे बाबू यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ग्यारह और ये दूरी है पांच तो बाबू ग्यारह में से अगर मैं पांच घटा दू तो ये दूरी कितने की बचेगी छ की है ना ग्यारह में से अगर पांच घटा दें तो ये दूरी कितने की बचेगी ये दूरी छ की बचेगी छह तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी छह और तेरह उन्नीस छह और तेरह उन्नीस भाई टोटल दूरी कैसे निकालोगे यहां से लेकर यहां तक ग्यारह और ये पांच लौट के आ जाओ तो ये दूरी कितनी हो गई ग्यारह माइनस का पांच छह की दूरी हो गई तो टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा छः और तेरह उन्नीस दूरी हो गई उन्नीस अब अगर कुल दूरी उन्नीस की है तो 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे पर्सन तो दूरी से हमेशा एक कम होंगे पर्सन तो दूरी से हमेशा एक कम होंगे 19 माइनस एक अठारह उन्नीस माइनस एक अठारह आज के लिए इतना ही रखते हैं सैटरडे संडे दो दिन का वक्त है बैकअप लो रिवीजन करो प्रैक्टिस करो और ये जो सात क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन सातों क्वेश्चन का रिवीजन करके आना तभी मंडे को आना वरना मत आना मंडे को ठीक है हाँ जी तो ये था रैंकिंग जिंदगी में बड़ा डर लगता था सर इन क्वेश्चन से आज मजा आ गया अल्टीमेट चलिए शुक्रिया थैंक यू सो मच लव यू गाइस लव यू ऑल